नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। संभल में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि यूपी में कार्यकर्ताओं को सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से यूपी में दोबारा सरकार बनी है। सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं को सम्मान न देने की शिकायत ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाने पर आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग के सामने आए, जहां ट्रेनिंग सीईओ अंशुमान श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार धर्मवीर सिंह और थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया और लोगों को आश्वासन दिया कि सबकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। बता दें कि गौरी बाजार थाने पर दर्जनों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने कहा कि कुछ का समाधान तत्काल कर दिया गया है और जो बचे हुए हैं उनका निस्तारण जल्द किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे इंस्पेक्टर रामनिवासी और ठेकेदार शमीम हत्याकांड में मैनपुरी के जिला जेल में बंद हैं। वहीं एक सप्ताह पहले बीएसपी नेता का करोड़ों का आलिशान होटल भी जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। बता दें कि बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे की ठंडी सड़क स्थिति बंद पड़े इंटरलॉकिंग ईंट प्लांट को कुर्क किया गया है। प्लांट में कुछ लोगों का रखा सामान बाहर निकलवा दिया गया है। इसके बाद मुख्य गेट पर सील लगा दी गई है। इस मौके पर नायब तहसीलदार हर्षित सिंह, शहर कोतवाली आदि अधिकारी मौजूद रहे। खबर ललितपुर से है, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। बता दें कि थाना पूरा कला क्षेत्र के दो गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और एक महिला की मौत हो गई है। साथ ही बिजली की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज थाना क्षेत्र में जुआ खेलते जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूत्रों के हवाले से दो शिफ्ट में जुआ खेला जाता है और डुमरियागंज थाना पुलिस की सह पर ये सारा खेल खेला जा रहा है। पीलीभीत में साधु ऋषि गिरी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। सीईओ लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या की घटना का खुलासा किया। तीन आरोपियों ने साधु की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की थी। साधु के कार्यों से न खुश होकर रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना अमरिया क्षेत्र के जिठनिया गांव का बताया जा रहा है। 7/7/2022 को सरजीत सिंह बिंदु ये हरबंस सिंह निवासी गांव के बुनियों मशहूर थाना मरिया जो ग्राम प्रधान है, थाने पर आकर सुबह सूचना दिए कि जिठनिया के बाहर बने महादेव मंदिर पर रहने वाले बाबा ऋषि गिरी उर्फ मदन लाल बिना बताए कहीं गायब हो गए हैं, जिसकी गुमसुदगी 7 तारीख को 34 रपट नंबर 34/1227 पर निकल गई। ऋषि बाबा की खोजबीन शुरू की गई। उसी दिन शाम को सरजीत सिंह उपरोक्त द्वारा गुमशुदा बाबा ऋषि गिरी महाराज की 100 रसूला गांव के पास नहर किनारे कच्चे रास्ते पर पड़े होने की सूचना रात की 10:27 बजे दी गई। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार सरकार की मंशा में पानी फेरने में लगे हुए हैं। ताजा मामला फतेहपुर जिले का है, जहां आज खागा कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल मां बेटे को 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल ले जा रहा था। इस दौरान महिला ने रास्ते में एम्बुलेंस में पलटी कर दी, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक ने महिला से 200 रुपये दो या फिर एम्बुलेंस की सफाई करो, जिसके बाद महिला ने पैसे न होने पर पास में रखी बाल्टी को उठाकर एम्बुलेंस की सफाई करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया है। शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी से लेकर कोयल घाटी डिग्री कॉलेज तक देखने को मिल रही है, जहाँ सड़क पर
नदी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वहीं जाम के बीच एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर पानी और जाम की वजह से ज्योति विकलांग विद्यालय और ऋषि पब्लिक स्कूल के बच्चों को छुट्टी के समय सबसे ज़्यादा परेशानी होती देखी जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए शहर की छोटी सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बैठक कर रही हैं, मगर अभी तक ड्रेनेज सिस्टम के सुधार को धरातल पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा शहर के हजारों लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। सहारनपुर में हुई बारिश से कई जगहों पर पानी भरने से लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हुई बारिश से सहारनपुर के सब्जी मंडी के अंदर पानी भरने के कारण बुरा हाल हो गया है। सब्जी मंडी के अलावा भी शहर में कई वार्डों में पानी की भरने से लोग परेशान दिखे। बारिश का पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानियों हो रही है। शहर में कई जगह हुए जलभराव ने नगर निगम के कार्यों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सहारनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस को राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हुए एबीपी के चकराता रोड स्थित कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहित शर्मा ने किया। कार्यक्रम में एबीवीपी के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, आरएसएस के विभाग संघ चालक राकेश वीर सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनकर मलिक ने संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।